क्या आप डेली पीजीटी कॉमर्स टीचर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके पास मेरे द्वारा दिए तैयार किए हुए दो बुक्स होने चाहिए जो कि आपकी 100% एग्जाम में आने वाले पैटर्न को कवर करता है। इसमें ना केवल थ्योरी है बल्कि प्रॉपर एमसीक्यूज भी हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ना केवल मैं आपको ये बुक प्रोवाइड करवाऊंगा बल्कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ये रीड भी करवाऊंगा, जिससे आपका एग्जाम ना केवल क्लियर हो बल्कि आपका जॉब आपके पास हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये बुक नहीं लिया हुआ है, नीचे दिए गए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए और अपना टीचर बनना कंफर्म कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। फटाफट एक बार सभी लोग कनेक्ट हो जाओ, फिर शुरू किया जाएगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक के एमसीक्यूज की क्लास, जो कि आपके जितने भी पीजीटी के एग्जाम हो रहे हैं उन सभी के लिए काफी हेल्पफुल होगा। चाहे आप केवीएस हो या एमवीएस हो या फिर किसी भी स्टेट की टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो डीएसएसबी हो, यूपी टेट हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, इवन जितने भी स्टेट टेट हैं सभी में काफी हेल्पफुल होगा। ओवरऑल जितने भी पीजीटी टर्म्स आप लोग तैयारी कर रहे हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, सभी में काम आने वाला है। और इसका ये आज पांचवा पार्ट है। इससे पहले के ऑलरेडी चार पार्ट हमने कवर किए हुए हैं, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप जाके प्लेलिस्ट में डायरेक्टली आप उसे देख सकते हो। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना वेस्ट ऑफ टाइम को। जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, फॉर दी एनी अपडेट्स फटाफट ज्वाइन कर लो। इसमें कोई भी अपडेट्स मैं सबसे पहले डाल देता हूं, जिससे आप लोगों को सभी चीजें प्रॉपरली मालूम चल जाए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन 21 नंबर है, क्या है हमारे पास? इंक्रीज इन डिमांड इज शोन बाय, बोला जा रहा है कि इंक्रीज हो रही है डिमांड, तो ये किस चीज को शो कर रहा है आपको ये बताना है। देखो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी तक जितने भी कवर अप किए हुए आप ध्यान से देखना, तो मैं लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इन पर अभी फिलहाल ज्यादा क्वेश्चन चल रहे हैं। एक तरह से बोल सकते हो मैं टॉपिक वाइज ले रहा हूँ, लेकिन मिक्सअप है, कुछ कुछ चीजें बीच में आएंगे, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो लॉ ऑफ डिमांड के होंगे। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंक्रीज डिमांड हो रही है, तो ये किस चीज को शो कर रहा है? अगर आप प्रॉपरली ध्यान से देखोगे तो इट मीन्स वो शो कर रहा है सिर्फ ऑफ दी डिमांड कर। अगर डिमांड कर जो है, डिमांड जो है अगर आपका इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो डिमांड कर वो हमारा शिफ्ट होना स्टार्ट हो रहा है। वो क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है एक साइड पर, या तो बिकॉज ऑफ यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है दैट्स व्हाई ये राइट शिफ्ट होगा, डिक्रीज हो रहा है दैट्स व्हाई तो ये लेफ्ट हो जाता हमारा, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज बेसिकली आपको क्लियर हुआ होगा, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस इज, बोला जा रहा है कि जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स है, जो कि बेसिकली क्या बोला जा रहा है, डिमांड टू चेंज इन प्राइस, बोला जा रहा है प्राइस के रिगार्डिंग में जो डिग्री ऑफ चेंजेस हो रहा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर प्रॉपरली चीजें समझ में आएंगी कि ये एक तरह का डिफिनेशन है जो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को दिखाता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? हमारा परसेंटेज चेंज इन डिमांड में, जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस में, जो दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस होता है उनको फाइंड आउट करने का ये तरीका है, और उसी चीज को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। तो आई होप बेसिक चीज थी, इजी क्लियर हुआ होगा। ऐसे भी मैं हमेशा बोलता हूँ मॉर्निंग की क्लास है, 5 मिनट का शिफ्टेड होता है, बस आराम से मूड फ्रेश करना है एकदम सुबह सुबह, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ में। इफ डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल, बोला जा रहा है कि डिमांड कर्व है जो वो हॉरिजॉन्टल है, तो वहां पर प्राइस इलास्टिसिटी यानी कि ईपी जो है वो इक्वल टू क्या होगा। बेसिक क्वेश्चन ये हमेशा ध्यान में रखो, ये पांचों कॉन्सेप्ट में, चारों कॉन्सेप्ट में हमेशा बोलता हूँ आपको ध्यान रखने के लिए, जीरो, वन, इन्फिनिटी, माइनस, ठीक है ना, ये वाली चीजें अच्छे से एकदम ध्यान में रखो, बहुत बार पूछे जाने वालों क्वेश्चन में से, और काफी इजी चीजें भी होती हैं, बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होने पर क्या होता है, हमारा जो ईपी है वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी होता है। अब सभी को मैंने ऑलरेडी इस चीज के बारे में ऑलरेडी क्लासेस ली हुई है, नहीं देखा है तो जाकर के सर्च कर लो प्लेलिस्ट में या फिर गूगल में, सॉरी यूट्यूब में जाइए सर्च कीजिए, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय लक्ष्य एकेडमी या फिर बाय विकास आनंद, आपको वीडियो मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ में। बोला जा रहा है इफ एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस टोटल आउटले ऑन द कॉमोडिटी रिमेनिंग सेम, देखो ये काफी अच्छा चीज है, देन द ईपी यानी कि जो उस समय भी हमारा प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा आपको ये बताना जा रहा है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बोला जा रहा है कि इफ द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है ना, प्राइस इंक्रीज हो रहा है एज पर द टोटल आउटले ऑफ द कॉमोडिटी रिमेन सेम, कॉमोडिटी जो है वो बेसिकली अगर सेम हो, तो ध्यान से देखो तो ये साफ साफ बता रहा है कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो को, क्लियर है। चलो
अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ में। तो पांच क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम लेवल एंड द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी परचेस्ड बाय द कंज्यूमर इज रिप्रेजेंटेड बाय विच का। देखो अगर सिंपल से चीज ध्यान से देखोगे तो जब हम लोग इनकम लेवल से जब क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को देखने की कोशिश करते हैं, इट मीन्स हम लोग बेसिकली हाउस होल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब हाउस होल्ड बेसिकली अपने जो कंजम्पशन हैं अगर उनको आप एनालिसिस करते हो, उनको देखने की कोशिश करते हो, इट मीन्स आप ईगल कर्व की बात कर रहे हो। किन की बात कर रहे हो? ऑप्शन नंबर सी की। तो मेरे ख्याल से ये बेसिक चीजें हैं, इनके एक बेसिक बेसिक टर्म्स हैं जो आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये थे हमारे पांच क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं अपने पांच में से पूरे के पूरे पांच स्कोर किए होंगे। कितने स्कोर किए कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आप सभी के सभी, ठीक है ना। उसके अलावा जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हो इकोनॉमिक्स से, ऑलरेडी हमारी हैंड रिटन नोट्स आती है इकोनॉमिक के रिगार्डिंग में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है लक्ष्य अकेडमी स्टोर का, वहां पर जाइए उसे डायरेक्टली आप उसे बाई करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 205 या 210 पन्नों का ये नोट्स है हमारा, ठीक है ना। प्रॉपर आपके इकोनॉमिक के टर्म्स में और प्रॉपर जितनी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी के सभी चीजें हमने कवर की हुई है। जैसे आपको दिख रहा है राइटिंग्स, नॉर्मल राइटिंग्स में आएंगे, प्रॉपरली पढ़ने में भी ईजी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लोग इसे जरूर बाय करेंगे और प्रॉपरली इसे पढ़ाई भी करेंगे। चलो अगेन मिलूंगा, तब तक के लिए पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।